तो ये तो हमारा निकल गया पर यूनिट लेंथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे एक्सटेंशन पता होना चाहिए, इसका एक्सटेंशन कितना हुआ। तो वेव ऐसे थी, इसकी लेंथ पहले dx थी, यहां पे लेंथ dx, फिर यहां पे स्ट्रेच होके कितना हो गया dl। यस सर। तो एक्सटेंशन कितना हुआ dl माइनस dx, एक्सटेंशन ये होगा dl माइनस dx। यस सर। देखो इसमें वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन ने कितना वर्क डन किया। तो जैसे इस वाले पार्ट पे देखूं, किसी भी एक पॉइंट पर देखता हूं, तो टेंशन के कारण वर्क डन होगा माइनस टी डीएल माइनस डीएक्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू होता है माइनस डेल्टा यू। सुना है कभी? यस सर। तो डी यू बराबर हो जाएगा टी डीएल माइनस डीएक्स। अब हम लोग डीएल और डीएक्स की वैल्यू निकालते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, छोटे से सेगमेंट को, टुकड़े को, इसको जूम करके, तो ये लेंथ डीएल है, ये डीएक्स है, ये डीवाई है। तो डीएल डीएक्स और डीवाई में क्या रिलेशन है? तो आप देखोगे डीएल बराबर डीएक्स का स्क्वायर प्लस डीवाई का स्क्वायर का रूट, यही है। तो डी यू बराबर टी डी एल की जगह लिख सकता हूं मैं डी एक्स का स्क्वायर डी वाई का स्क्वायर की पावर 1/2 डी एक्स, ऐसा लिख सकता हूं। दोनों में से डी एक्स डी एक्स कॉमन ले सकता हूं मैं, तो डी एक्स का स्क्वायर, तो यहां पे डी वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। और इस पे स्क्वायर है तो रूट लगा हुआ है, डीएक्स बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डीएक्स आ गया बाहर, अंदर बचेगा 1+ डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसकी पावर 1/2 माइनस डी एक्स। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं? आया समझ में है कुछ? यस सर। वो ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स क्या है, बहुत ही छोटा है। इफ डी वाई बाय डी एक्स इज वेरी लेस देन 1, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी 1+ एक्स की पावर एन हो तो ये हो जाता है 1+ nx, अगर एक्स वेरी वेरी लेस देन 1 से। तो यहां भी क्या होगा, टी 1/2 आगे आ जाएगा, डी एक्स 1+ 1/2 डी वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर। माइनस डी एक्स बात समझ में आ रही है? ये जो 1/2 है ये यहां पे आ जाएगा आगे, ठीक है? यस सर। चलो आगे देखो, इसमें देखो दोनों में डीएक्स डीएक्स कॉमन है क्या, इधर भी डीएक्स इधर भी डीएक्स,
dx dx को कॉमन ले लो, du बराबर t, dx आ गया बाहर, अंदर बचेगा 1 dy by dx का स्क्वायर, सॉरी 1 by 2 भी है, माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो du बराबर हो जाएगा t dx 1 by 2 dy by dx का स्क्वायर, ठीक है। फिर देखो इसको, मैं इस dx को डिवाइड कर देता हूं du by dx और t 1 by 2 dy by dx, अच्छा dy by dx क्या होता है? मतलब y बराबर मेरे पास है a sin omega t minus kx, तो मैं dy by dx मतलब del y by del x भी लिख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ पे लिख देना dy by dx को मैंने क्या लिख दिया, del y by del x, ठीक है। अगर आपका टाइम क्या हो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स करूंगा, यहां पे आ जाएगा ए के आ जाएगा ना, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आपका डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया। इसमें आपका टी कांस्टेंट है, डेल वाई बाई डेल एक्स की वैल्यू को पुट कर दो तो यहां से आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स हाफ टी ए का स्क्वायर के का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये आपका आया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ठीक है, टेंशन, अब देखो टेंशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ऊपर वाला लिख लिया आप लोगों ने, मैंने बताया था कि जो वेव होती है, वेव की इक्वेशन क्या होती है स्ट्रिंग में, वी बराबर होता है अंडर रूट टी बाय म्यू, अगर मैं स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो टी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट वी स्क्वायर, टी बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट वी स्क्वायर, तो इस टी को मैं रिप्लेस कर सकता हूं किससे, म्यू नॉट वी स्क्वायर से, तो डी यू बाई डी एक्स ये आ जाएगा हाफ म्यू वी स्क्वायर, वी स्क्वायर के स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, अच्छा वी बराबर ओमेगा बाय के भी होता है क्या, स्पीड, तो ओमेगा इक्वल टू के वी, तो देखो के वी का स्क्वायर, तो इसको ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, तो डी यू बाय डी एक्स हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स, अच्छा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ देखो और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ देखो, दोनों में क्या अंतर है बताओ मुझे, दोनों में देखो क्या अंतर है,
दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड काइनेटिक एनर्जी डीके बाय डीएक्स ये बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। तो स्ट्रिंग में याद रखना काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट लेंथ बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो आगे देखो। अब मैं एक वेव बनाता हूं और उस वेव में पता करते हैं हम लोग कहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कहां पर मिनिमम होगी। तो देखो ये वाला जो पार्टिकल है इधर या फिर ये वाला जो पोर्शन है, देखो ये और ये यहाँ पर dx और यहाँ पर कितना स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होगा कि यहाँ पर ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो लेंथ है वो बराबर इसकी लेंथ होगा। यहाँ पर स्ट्रेच जो है वो बिल्कुल कम आ रहा है या नेग्लिजिबल आ रहा है। अच्छा पार्टिकल की वेलोसिटी सबसे मिनिमम कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर या एक्सट्रीम पर? एक्सट्रीम पर। एक्सट्रीम पर। तो यहां पर जो पार्ट ये है, एक तो इसमें नो स्ट्रेच, कोई स्ट्रेच नहीं होगा क्योंकि जो लेंथ इसकी है वही लेंथ इसकी होगी, तो कोई स्ट्रेच नहीं हो रहा। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। और यहां पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का वी भी क्या है, जीरो, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो वी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो। आई बात समझ में? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। अब अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं जो मीन पोजीशन पर है, तो देखो यहां पर ये पहले ऐसे वायर था सीधा, अब यहां से लेके यहां तक की लेंथ हो गई इसकी, पहले तो इतना था अब स्ट्रेच हो गया ऐसे। बात समझ में आ रही है? इतने पोर्शन को देखो, पहले ये सीधा था अब ये ऐसे हो गया, क्या स्ट्रेच, मैक्सिमम स्ट्रेच हो गया। और यहां पर जो पार्टिकल है इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। और यहां पर ये स्ट्रेच भी कैसा हो रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेच। तो मैक्सिमम स्ट्रेच हो रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम। तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है स्ट्रिंग में, वहीं पर ही काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी जहां मिनिमम और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। और टोटल एनर्जी की बात करें कि टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो टोटल एनर्जी देखते हैं। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ डी बाय डी एक्स, क्या ये डी के बाय डी एक्स प्लस डी यू बाय डी एक्स लिख सकता हूं? और हमें पता है कि डी के बाय डी एक्स और डी यू बाय डी एक्स क्या होता है, वी नो दैट डी के बाय डी एक्स बराबर है
डीयू बाई डी एक्स के पर यूनिट लेंथ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो डी बाई डी एक्स को या तो मैं लिख सकता हूं डीयू को डीके बाई डी एक्स लिख दो तो टू टाइम्स ऑफ डीके बाई डी एक्स हो जाएगा, या फिर डीके बाई डी एक्स को डीयू बाई डी एक्स लिख दो तो टू टाइम्स ऑफ डीयू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जो मैक्स काइनेटिक टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ आएगा, देखो उसमें हाफ आता था, टू टाइम्स करेंगे तो हाफ हट जाएगा, म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। तो ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, समझ गए? टोटल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। अब आता है पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। अब एनर्जी है तो पावर भी होगी, तो वेव में कितनी पावर होती है? पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव, पावर ट्रांसमिटेड बाय वेव। पावर क्या होता है? पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, पावर होता है डी बाय डी टी। पता है आप लोगों को, मैं क्या करता हूं इसको ऊपर नीचे dx dx से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर सकता हूं। तो ये हो जाएगा, इसको साथ साथ लिख देता हूं, इसको साथ साथ लिख देता हूं, d by dx that is total energy per unit length into dx by dt। dx by dt क्या है? ये तो वेव की स्पीड है और ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ है, तो पावर हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट लेंथ। क्या आया था? बी म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स इनटू वेव की स्पीड। आई बात समझ में? लेकिन ये जो पावर आई है ये इंस्टेंटेनियस पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर। और हम लोग जनरली निकालते हैं एवरेज पावर। तो एवरेज पावर कैसे निकालते हैं? पी एवरेज बराबर इंटीग्रल पी डॉट डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रल डी टी। एक फुल साइकिल में कितनी पावर डिलीवर कर रहा है वो चीज। तो देखो ये जो चीज है, अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी, ये सब तो कांस्टेंट है। आगे बात समझ में? यस सर। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आती है 1/2। आप चाहो तो इंटीग्रेट करके भी देख सकते हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, एवरेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यू वही रहेगी, म्यू नॉट वही रहेगा, बस 1/2 आ जाएगा यहां पे, म्यू नॉट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी, ये एवरेज वैल्यू आ जाएगी पावर की। आ रही है बात समझ में? यस सर। तो एवरेज पावर कितनी थी? हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी।
आप चाहो तो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हो, ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2πf, सुना है कभी? तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो एवरेज पावर हो जाएगा 1/2 म्यू ए स्क्वायर 2 × 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी, 2 से 2 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका एवरेज पावर 2 μ पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू वी, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ गया। आई बात समझ में? सर ए स्क्वायर के बाद क्या लिखूं सेकंड लाइन में? कहां पे? यहां पे, ये 4 इसका स्क्वायर करा ना, ओमेगा बराबर 2πf, तो ओमेगा की जगह 2π रखा, 2πf 2 × 4 पाई का स्क्वायर एफ का स्क्वायर, नीचे वाले 2 से 4 टू टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है? यस सर। पावर के बाद आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट एरिया पे पावर कितनी है। इंटेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट एरिया पे पावर। पी एवरेज आई बराबर होता है एवरेज पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पर यूनिट एरिया पे कितनी पावर गिर रही है, कितनी पावर है। तो मान लो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एरिया ले लेता हूं मैं एस, एरिया को मैंने डिनोट किया किससे, एस से। और म्यू क्या होता था, म्यू मान लो इसकी लेंथ है एल, तो म्यू क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ, और मान लो इसकी डेंसिटी है रो, तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, रो इंटू एरिया इंटू लेंथ बाय लेंथ। ये चीज समझ में आई क्या, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एरिया, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा इसका, रो एस। तो म्यू को आप रो एस की टर्म्स में लिख सकते हो, रो इंटू एस, एस यहां पे एरिया है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, एवरेज पावर की वैल्यू रखो 2, म्यू की जगह रखूंगा मैं रो एस पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी, एरिया की जगह लिखूंगा एस। तो आप देखोगे एस से एस कैंसल, एस से एस कैंसल, 2 ρ पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर वी, ये आपका इंटेंसिटी आ जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां पर देखो जो इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ए क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। डेंसिटी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, वेव की स्पीड कांस्टेंट है, अगर फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाए तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के।
समझ गए? ये फॉर्मूले याद रखने आप लोगों को, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है स्ट्रिंग में, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है? नोट कर लिया ये? यस सर। यस सर। चलो अब एक सवाल लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से दो वेव दे रही है हमको। वेव नंबर वन, वेव टू। इसका एम्पलीट्यूड है 2 मीटर, इसका एम्पलीट्यूड है 5 मीटर। तो हमें बताना है कि आई वन अपॉन आई टू इंटेंसिटी इन फर्स्ट वेव डिवाइडेड बाय सेकंड वेव क्या होगा। फाइंड I1 upon I2। तो देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, 1 की 2 की? 1। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितने ऑसिलेशन, एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन कर रहा है। तो यहां पर आप देखोगे तो जो F2 है वो 2 times of F1 है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, इंटेंसिटी का फॉर्मूला था 2 pi square a square f square into ρv। तो यहां पर 2 कांस्टेंट, pi कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, रो कांस्टेंट है, वी कांस्टेंट है। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल हो गया यहां पर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का। तो आई वन अपॉन आई टू बराबर होगा ए वन एफ वन का स्क्वायर अपॉन ए टू एफ टू का स्क्वायर। A1 एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव 5 मीटर, F1 का स्क्वायर ही लिखोगे, A2 2, F2 लिखोगे 2 times 4 F1 का स्क्वायर, F1 का स्क्वायर से F1 का स्क्वायर कैंसिल, जो जाएगा 5/8। बोलो समझ गए? मैंने कुछ गड़बड़ करी लगता है, ये भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर है, सॉरी 5 5 25 2 2 4 4 4 16 25 by 16 आएगा आई वन अपॉन आई टू। बोलो समझ गए? यस यस। ठीक है।